तो गाइस इस वीडियो में हम लोग कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की लाइब्रेरी का टूर करेंगे भाई। बढ़िया, यहाँ पे लेट वेट के चिल कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे अपना कार्ड टैप करोगे तो साइन इन हो जाएगा। ऐसा हुआ रोज यूट्यूब वीडियो डालूंगा। तो गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल रचिन यू के में। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और यश क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो सब? बढ़िया बढ़िया। और मैं बोल रहा था कि सब्सक्राइबर से पूछा जैसे तो गाइस अगर तुमने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। करवाने लग जाते हो यार पहले लोग। और बताओ और क्या देख रहे हो आप? और तो गाइस इस वीडियो में हम लोग कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का टूर करेंगे। मेरे थोड़े वर्ड ऐसा मुंह हो रहा है, च्युइंगम खा रहा हूँ ना। तो उसका टूर करने वाले हैं हम। लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं, ये सामने रही। और मेरे चैनल पे भी एक वीडियो आने वाली है रॉबिंग एंड स्टैबिंग से रिलेटेड। छुरी मार देते हैं लोग इधर यूके में, पता नहीं क्या करते हैं लोग। सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है मतलब यार, हर कंट्री में कुछ ना कुछ क्राइम थोड़ा बहुत होता ही है। बाकी मेरे चैनल पे आपको वीडियो दिख जाएगी तो देख लेना। और बाकी मैंने कहा यार लाइब्रेरी चलते हैं, थोड़ा सारी फैसिलिटीज वगैरह दिखा देते हैं एक बार वीडियो में। और जिसके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड भी नहीं है वो भी जा सकता है। अभी मेरे पास जैसे यश के पास अभी स्टूडेंट आईडी कार्ड नहीं है तो गाड़ी में रखा हुआ है और इनका इनकी जेब में है, तो हम आपको वो भी प्रोसेस बता देंगे कि ये ना ये हम पहुंच चुके हैं लाइब्रेरी अभी। और रात भर खुली रहती है क्योंकि अभी डेजर्टेशन खत्म हो गई। नहीं, रात भर खुली रहती है 24/7, कभी भी आ सकते हो। सारी फैसिलिटीज खुली रहती है। और यहाँ पे है कैफे, अब यहाँ पे लगाना होता है पहले घुसते ही। ये खुल जाता है ना? ना रात को नहीं खुलता है। हाँ रात को बंद हो जाता है। ले यश को यही नहीं पता। चलो भाई, मेरे तो सच में नहीं पता था यार लाइब्रेरी कब आता है ना। लाइब्रेरी कितनी बार? 4-5 times। मैं तो बहुत बार आया था इस सेमेस्टर में, ना अच्छे खासे टाइम मिला। तो यश अब यहाँ पे अपना वो बनवाएगा, यहीं से जा सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ से कार्ड लगा के घुस जाऊँगा अभी। तो पहले यश को बनवाने देते हैं फिर चलते हैं। और ये देखो सामने ये कैफ़े है, खुला रहता है ये 7 बजे तक और ये ओपन ही रहे। यहाँ पे वैसे ही बैठ सकते हो बिना कार्ड लिया है। और वो प्रिंटर लगे हैं, उसकी सर्विस का भी आगे बात करेंगे। तो भाई हम लोग घुस गए हैं लाइब्रेरी के अंदर। यश को ऐसा मिला, ये दुकान ब्लर कर देना, ब्लर ठीक है, ये मेरी शक्ल है इसमें। तो खाली पड़ी है लाइब्रेरी जैसे देख सकते हो, क्योंकि बच्चों की डेजर्टेशन कम्प्लीट हो गई है और एग्ज़ाम कुछ चल ही नहीं रहे। वैसे एग्ज़ाम तो यहाँ पर ज़्यादा होते नहीं, बैचलर्स वाले के होते हैं। दिमाग खराब करते हैं हमारा ये तो ये है भाई, ये पकड़ना है। पता क्या है सिस्टम है बताता हूँ आपको, एक सेकंड। तो ये जो देख रहे हो ना, तो यहाँ पे ऐसे अपना कार्ड टैप करोगे तो साइन इन हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ये साइन इन हो गया और अपने लैपटॉप से कंप्यूटर से पेपर कट ऐप मतलब पेपर कट की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे जो भी प्रिंट रिलीज करोगे वो यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्रिंट रिलीज दबाओगे तो सारे प्रिंट बाहर रह जाते हैं। बाकी यहाँ पे कम्युनिटी फ्रिज है, तो अगर तुम लोग रात में लाइब्रेरी में बैठे तो यहाँ पे रख सकते हो। ये फुल बंद तो है, ये तो खुल जाता है। अच्छा, और एक चीज़ और, इसके अंदर अगर किसी को वो करना होता है ना प्रिंट आउट निकालना होता है तो ऑनलाइन अपनी ईमेल आईडी पे ही वो करके भेज के उसमें भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और इसके अंदर हमें 25 pounds के अराउंड मिलता है जब कार्ड लेते हैं। हाँ इसके पैसे होते हैं ना 25 यूनिवर्सिटी देते हैं। मेरे तो 70-80 कुछ पड़े हुए हैं। हाँ तो वो पड़े हुए होंगे, तो यूनिवर्सिटी हर साल देती है ना। अच्छा, 2 साल मेरे तो बहुत सारे पड़े हुए हैं। और बाकी ये जो है ये लैपटॉप्स हैं, तो ये भी तुम लोग यहाँ से इशू करा सकते हो। ये देखो फिर वाइप करके वापस रखना होता है। सबके अंदर लैपटॉप और पूरी किट पड़ी होती है। यहाँ से देखो सेल्फ सर्विस लैपटॉप लोन्स बोरो लो लेवल लैपटॉप रिसिप्ट वगैरह। मेरी भी एक बात रिकॉर्ड करो, मैं आपको हाँ एक चीज़ बताता हूँ सबको। हाँ तो बात ये है जो यश मेरे को बता रहा था कि कुछ ऐसे कोर्सेज जैसे बिजनेस के हो गए उसमें एग्जाम्स वगैरह नहीं होते। बिजनेस वगैरह में जैसे बिजनेस वो होता है ना एडमिनिस्ट्रेशन BBA जिसे कहते हैं, वो सब कोर्स होते हैं, उनके अंदर एग्जाम्स रिटर्न होते ही नहीं है। ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करो, कोर्स वर्क और असाइनमेंट होता है उसके मार्क्स मिल जाएंगे, पास हो जाते हैं। और कुछ होते हैं कोर्स, जैसे मेरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वालों का तो सिविल करना होगा। और एक दो कोर्सेज और हैं, इन सब में असाइनमेंट्स आपको ना मतलब असाइनमेंट्स भी होती है पर रिटर्न एग्जाम्स हाँ, देने जाना होता है आपको। और कम से कम 5-7 teachers होते हैं आपके रूम में, 4-5 row बनी होती है स्पोर्ट्स रूम के अंदर, पेपर होता है
तो ऐसे करके आपको देना होता था, उसमें आपकी चेकिंग होती है प्रॉपर। तो मतलब कहना चाह रहे यश कि जो ये दूसरे कोर्सेज वाले हैं वो क्या करते हैं कि असाइनमेंट बाहर से बनवा लेते हैं ऑनलाइन वगैरह और सबमिट कर देते हैं और अपना जॉब वॉब करते हैं और पैसे कमाते हैं और असाइनमेंट खुद नहीं बनाते हैं। पर जो चीज़ अब पता चली है, ये ऐसे जो लोग करते हैं ना वो पकड़े जाते हैं जब, तो उनके साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है और इमिग्रेशन वालों को उनकी डिटेल्स वगैरह भेजी जाती है। तो ये चीज़ में हाँ, कर रहे हैं असाइनमेंट तो फिर तो नहीं पकड़े जाएंगे वो। बट मेरे को लगता है जैसे किसी बंदे ने ऐसा करा, सपोजिंगली एक बंदा है, उसने पूरा आने के बाद से कॉलेज अटेंड ही नहीं किया, अटेंडेंस भी लगाएंगे वो तो रिपोर्ट नहीं, कॉलेज अटेंड कर रहा है बट असाइनमेंट खुद से नहीं कर रहा उनको, ठीक है चलो वो बात भी सही है ऐसे। तो कॉलेज तो आना ही पड़ेगा ना फिर भी, कॉलेज या तो वो कॉलेज से टैप करने के लिए आना पड़ेगा ना। अगर हाँ, अगर तुम लोग किसी और से टैप कर, अच्छा ये भी बात बतानी है, हमारे मेरी क्लास में हुआ था इंसिडेंट, दो तीन बच्चे थे ना वो कॉलेज आते नहीं थे, दूसरे अपने दोस्तों को टैप करने के लिए दिया था कार्ड, तो हमारे यहाँ भी मेरी क्लास के बच्चे 10 पाउंड लेते थे ऐसे, हाँ 10 पाउंड में कि आपका टैप कर देंगे कार्ड, आप मत आओ 10 पाउंड। पर बेटा अभी मेरा दोस्त पकड़ा गया था, एक दोस्त क्या क्लासमेट पकड़े जाते हैं, वार्निंग दे देते हैं, वार्निंग एक दो के बाद तो चलो चलता है, तीसरी चौथी वार्निंग के बाद उसके पास सीधे इमिग्रेशन से मेल आया, फिर होता है कि आपके पकड़े गए तो ठीक है, एक दो फर्स्ट वार्निंग सेकंड वार्निंग थर्ड वार्निंग, फर्स्ट तो फॉर्मली नहीं होती, इनफॉर्मल होती है, उसके बाद दो फॉर्मल होती है जिसमें और लोगों को बुलाया जाता है, पहले में बंदा समझ जाता है वैसे तो हाँ, और भाई तीसरी के बाद सीधे इमिग्रेशन पे मेल जाती है। और सच में मेरे दोस्त के साथ तो इमिग्रेशन में मेल गई, उसके पास इमिग्रेशन से मेल आई, अब वो कॉलेज ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कॉलेज ही नहीं आया तब से भाई, पता नहीं अब उस वो बात भी नहीं कर रहा, तो पता नहीं क्या है, उसने वीज़ा स्विच करा लिया वो 17 जुलाई से। वो यहाँ पे हाँ ये दिखाते हैं, ये साइलेंट स्टडी एरिया है, हम लोग लिफ्ट से नहीं, हम लोग सीढ़ियों से आए हैं। अच्छा हाँ, इसमें बोल नहीं सकते, बाहर से दिखा देते हैं, देख खुल जा। तो यहाँ पे साइलेंट स्टडी मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस, ये देखो सब यहाँ पे बोल ही नहीं सकते हम बिल्कुल, वैसे खाली पड़ा है, कोई है ही नहीं अभी, कोई है ही नहीं, देख लो बस, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, अपना पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैकबुक्स भी है, वो ऊपर है, ऊपर वाले थर्ड फ्लोर पे है, चलो आई मैक भी लगे हुए हैं, बढ़िया। और यहाँ पे ना तुम बताता हूँ, बाहर चल के बताता हूँ, बाहर चल के सीढ़ियों की। तो मतलब तुम लोग ना अगर जैसे ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो तुम लोग अपना ग्रुप रूम भी बुक कर सकते हो आराम से 2-4 घंटे के लिए, और फिर उसमें तुम हाँ उसके लिए भी वो वेबसाइट भी आता है सीयू लाइब्रेरी पे, वो आके चेक करते रहते हैं बुकिंग, वो वैसे खुलता ही नहीं है, उसके लिए क्यूआर कोड होता है, वो स्कैन करते हैं तभी रूम खुलता है। हम तो हब में जाते थे, वहाँ पे जाके कोई हब तो फ्री है, हब तो फ्री, हब भी दिखा देंगे अगर तुम लोग बढ़िया कमेंट करोगे नीचे, तो हब भी दिखा देंगे अगली वीडियो में। ये भी स्टडी क्वाइट स्टडी है, इसको भी क्या दिखाऊंगा, वो सेकंड फ्लोर ही है अभी तक, थर्ड फ्लोर पे है ग्रुप डिस्कशन रूम, वहाँ पे वो पड़े हुए हैं होते हैं वहाँ पे, वीडियो चल रही है ना। और नीचे नीचे ग्राउंड वो बेसमेंट भी है जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी रूम है, मैं इसमें थर्ड वाले भी आता, ये है ग्रुप स्टडी। अलग अतरंगी कलर की दीवार है, सबको लगता है कि हाफ में ये भाई यहाँ पे बोल सकते हो आराम से, तो यहाँ पे देखो आई मैक लगे और ये भरा रहता है, वैसे तो बच्चों ने खाली कर दिया, तो रोज भरते हैं भाई, ये हिम्मत पीना कभी आओगे तो सही, बढ़िया सजेशन दे रहा हूँ इससे बड़ी, किसी फ्रेंड ने 8 पाउंड की ली थी, हाँ 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 यहीं से उसके 8 पाउंड कट गए थे और बेकार सी कॉफ़ी आई थी इसलिए कह रहा हूँ, इससे बढ़िया अपना घर से ले आना है यहाँ से ठंडी वाली। और ये देखो फिर ये आई मैक लगे, यहाँ पे भी लैपटॉप ले सकते हो, यहाँ पे भी मैक और ये सब पड़े, यहाँ सो सकते हो रात को लेना भाई, सो भी सकते। और वो देखना कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्किंग भाई बढ़िया, यहाँ पे लेट वेट के चिल कर सकते हो, चिल कर रहे हो अभी तो नहीं। और तुम लोगों को एक चीज़ दिखानी है, ये देख रहे हो ऑफिस, मेरे को भी नहीं पता क्या है, मैं अभी आज तक नहीं आया, पता नहीं बंद है भाई, ये वाले ग्रुप स्टडी रूम बड़े ऐसे बने हुए यूनिक से, पता नहीं क्यों,
वुडन की दीवार, वुडन की फर्नीचर। अगर कुछ बोलो तो भी इसमें आवाज आएगी ना? हाँ, माइक लगा हुआ ना, ये है तो मेरी यहाँ तक तो नहीं रही कुछ। यहाँ तक तो मैं आया नहीं आज तक। इसके अंदर क्या है? पीछे वो गोला सा बना हुआ, उसमें बैठते हैं ग्रीन ग्रीन। अच्छा हाँ। ओ भाई, आपने तो देखा नहीं। यहाँ तो मैं आज पहली बार आ रहा हूँ खुद। भाई मैं खुद पहली बार टूर ले रहा हूँ लाइब्रेरी का। ये टीवी भी लगाने के लिए क्या? यश सुबह से सोया नहीं है। और ये वीडियो क्लिप में भी डालना है डाल दूंगा। नहीं नहीं नहीं, भाई नो स्मोकिंग और नो वेपिंग लिखा है। चलो ये हो गया। इतना बड़ा टीवी लगा दिया इन्होंने। अभी यहाँ पे टच पॉइंट क्यों है? अटेंडेंस के लिए। अच्छा यहाँ ये बताता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो ऐसे लगती है अटेंडेंस। टैप ही नहीं हो रहा अभी तो। मतलब ग्रीन लाइट जलती है यहाँ पे तो अटेंडेंस लग गई है, रेड जलती है तो नहीं लगी है। जब क्लासेस होती है ना तो ऐसे ही टच पॉइंट लगे होते हैं बहुत सारे। यहाँ पे होती है बुकिंग, देखो। हाँ ये रहा चेक इन क्यू आर कोड। दो चार ऐसे टच पॉइंट लगे होते हैं हर क्लास में, मतलब पीछे से एंट्रेंस है तो वहाँ भी लगा हो, आगे भी लगा हो। ये शायद मीटिंग वगैरह के अटेंडेंस लेने के लिए होता हो। मैं आया हूँ इस फ्लोर पे, बस यहीं बैठता था मैं तो। यहीं पे इससे आगे गया नहीं कभी। हाँ बस यहाँ पे भी ऐसे करके बना हुआ एरिया, ये देखो बढ़िया सही है। थर्ड फ्लोर पे ज़्यादा लोग रहते हैं, दिन के टाइम पे बहुत भीड़ रहती है जैसे कैफेटेरिया हो। हाँ क्योंकि यहाँ पे बोलना लाउड है ना। अब लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं हम लोग। लिफ्ट घुसने के लिए कभी कभी ना कार्ड यूज़ करना होता है, जब ऐसी चल जाती है ना कभी कभी करना होता है। मैं तो यार ऐसे घुस जाता हूँ। और हर जगह कैमरे लगे हैं, हर जगह, हर जगह तुम नजर। बड़े यूट्यूबर हैं यहाँ पे क्या है? चलो भाई लिफ्ट भी देख लो अपने। ये लो भाई लिफ्ट भी देख लो भाई। सही है, मेरे पे सूट कर लिया आज। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? यश दुआ को सब्सक्राइब कर लो जाके जल्दी से। और हाँ मैं ये भी बता रहा था कि हम लोगों ने अब सोचा है कि कंसिस्टेंटली डालेंगे वीडियोस यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी। जब मैं इंस्टाग्राम पे मतलब डाल रहा था तो यश ने भी मोटिवेशन ली और डालना शुरू कर दिया रोज। अब मैं यश से मोटिवेशन ले रहा हूँ। अब ये डाउन हो गए हैं, अब मैं रोज डाल रहा हूँ। अब मैं यश से मोटिवेशन ले रहा हूँ। ऐसा हुआ ऐसा रोज रोज यूट्यूब वीडियो डालूंगा। 95% अच्छा बुक्स बुक्स का तो बता देता हूँ। जैसे बुक्स लेनी होती है ना, इशू करानी होती है, मेन तो लाइब्रेरी बुक्स के लिए होती है। ऐसे नोट आगे बजा सकते हो? अरे भाई ये बंदा। अच्छा अबे हां, मेरे को पता लग गया, यहां पे बार वो लगा हुआ है ना चेकिंग वाला। हां वहां पे स्कैनर बज जाता है। हां तो ये बैठने के लिए हेक्सागन बने हैं, यहां पे बैठ सकते हो अपने ग्रुप के साथ। तो जैसे अगर तुम्हें बुक्स बुक्स इशू करानी होती है तो यूनिवर्सिटी कोवेंट्री लाइब्रेरी की जो वेबसाइट है वहीं पे तुम डालोगे बुक नेम तो वो आइल भी बता देगा और फ्लोर भी बता देगा और शेल्फ नंबर भी बता देगा। तो वहाँ से तुम आराम से उठा के ला सकते हो। बड़ी बुक इशू कराई है मैंने, कराई है। वापस भी करनी होती है, वरना बहुत ज़्यादा फीस वो लग जाती है। हमारे स्कूल में तो कोई नहीं करता। इंडिया में तो हम लोग कैसे चलता था सिस्टम। चलो भाई अब चलते हैं, हो गया। तो भाई जब निकल रहे होते हैं तो यहाँ पे ऐसे टैप किया, ऐसे ये गेट खुल गए। और बुक अगर उठा के ला रहे हो तो बीप 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 हो जाएगा कि प्रिंटर यहाँ पे भी लगे हैं। तो सब ये अपने कार्ड से एक्सेस कर सकते हो। चलो भाई अब चलते हैं वापस हम। सॉरी वीआईपी एग्जिट हुई ना, कहाँ चले हम? अब हम बस एंड करते हैं आज की वीडियो और बाहर चल के रहते हैं। बहुत बहुत आवाज़ आ रही है। तो गाइस इस वीडियो में यही था, थोड़ा तुम्हें लाइब्रेरी के बारे में दिखाना था। कब से मैं सोच रहा था दिखाऊंगा यही था, नहीं बहुत था, बहुत कुछ था। कब से सोच रहा था लाइब्रेरी का टूर दूंगा, दे नहीं पा रहा था। बट अब भाई पूरा हो गया, अब यूट्यूब पे सिस्टम पाड़ देंगे, सिस्टम ला देंगे। तो भाई वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, कल ही आएगी। और ऐसी रोज रोज अभी एंड टू एंड बन रही है। तो ऐसी सपोर्ट करते रहो और बढ़िया वीडियो देखते रहो और हमारी लाइफ के बारे में देखते रहो। क्या पता डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूं मैं अगर तुम लोगों ने सपोर्ट दिखाया। चलो गाइस फिर सुपरा खरीदेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, चंगा फिर।